स्वागत है एंड उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे बढ़िया होंगे परफेक्ट होंगे अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में so, एक बार सब लोग अपने हालचाल लिख दीजिए कैसे हैं आप सभी लोग hmm. चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं हम आज के सेशन की क्या हम लोग लाइव हैं यस वी आर लाइव नाउ चलिए तो साथियों एक मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करता हूँ इस केवीएस की ई की क्लास की ठीक है बहुत ही एक बहुत ही फेवरेट लाइन जो मेरे दिल के बहुत करीब है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छी लगेगी मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पहले लड़ने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के

खेत में, में छेद बनाते हैं एड आ रहा है क्या रहा अब ठीक book... है चलो चलो अब ठीक है अब तो नहीं आ रही ना क्यों अब तो नहीं आ रही ना ऐड की अब तो नहीं आ रही एड ठीक है चलो तो कैचुए के बारे में नीचे दी गए कथनों में से सही कथन पर विचार कीजिए साथियों तो सही कथन है दट इज ए बी एंड डी है ना कैचुए खेत में छेद बनाते हैं कैचुए खेत में मिट्टी बनाते हैं और कैचुए का मल मृदा को उपजाऊ बना देता है अगला क्वेश्चन छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का नृत्य है कम ऑन एवरी जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं सब लोगों से मैं कहना चाहूंगा आंसर दे दो भैया आंसर दे दो आंसर दे दो भैया आंसर दे दो चलिए छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का नृत्य है <clears throat> उत्तर प्रदेश असम छत्तीसगढ़ या मिजोरम बताइए फटाफट से छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का नृत्य है वेल डन गईज छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर है ना लैया छत्तीसगढ़ या इज द सबला बढ़िया आंसर इसका करेक्ट छत्तीसगढ़ तो कुछ डांस है यार याद रखो मैं बार बार सीटेट के लिए भी मैं बोलता हूँ कि भैया डांस याद रखो की के लिए भी मैं बोलता हूँ डांस याद रखो जितने डांस दिमाग में याद रहेंगे उतना अच्छा डांस पेपर में करोगे ऑप्शन देख के है ना देखो जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु भरत तुम मिलो है ना बहु कहाँ से आई जी बहु असम से आई जी आज के सीटेट के पेपर में फंस गया है ये वाला क्वेश्चन फंस गया है ना भांगड़ा पंजाबी ओए होए पंजाबी छऊ डांस बिहार उड़ीसा वेस्ट बंगाल झारखंड घड़वाली उत्तरांचल उत्तराखंड है ना गरबा गुजराती है ना गरबा गुजराती और हटरी कर्नाटका डांस ठीक है याद रखिएगा दोस्तों प्लीज टेक अ स्नैपशॉट एक बार स्नैपशॉट हो जाए स्नैपशॉट हो गया अच्छा मैं थोड़ी साइड दे दू स्नैपशॉट हो गया ज्यादा स्माइल कर दिया oh गॉड है मुझे स्नैपशॉट के लिए चलिए तो हो गया होगा बाय द वे ठीक है आगे बढ़े चलो नीचे दिए गए उन तीन राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्य समुद्र तट पर स्थित है साथियों बताओ इनमें से कौन से समुद्र तट पर अरब सागर पर स्थित है बताओ कर्नाटक केरल महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु आंध्र प्रदेश गुजरात तेलंगाना केरल कर्नाटक उड़ीसा चलो आंसर करो फटाफट से आंसर करो अरब सागर अरब 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 सागर किधर है दोस्तों टेन 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 अरेबियन सी टेन टेन और इधर बीएफ बंगाल हम तीन राज्य हैं तीन क्या सारे बता देते हैं ठीक है ऊपर गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला देख लो भैया कौन कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं केरल कर्नाटक महाराष्ट्र इसका सही आंसर बी कौन कर रहा है जो बी आंसर कर रहा है उसे थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है मेरे से मैप मैप थोड़ा सा पढ़ो मेरे से आप बी आंसर नहीं करोगे ऐसे मेरा मानना है ठीक है आप कुछ भी आंसर करोते लेकिन बी आंसर नहीं करते साथियों ये वो राज्य हैं जिनको आप देख पा रहे हैं जो अरेबियन सी पर है कैन यू प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ले लो ले लो कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं <coughs> हमारे देश में कितनी यूटीज हैं कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं बताओ हाउ मैनी इन आर कंट्री हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज़ आर बताओ छ हैं ठीक है सात हैं आठ हैं या नौ हैं गुड इवनिंग सर आप गुस्सा हो क्या हमसे जिद्दी सागर भाई बिल्कुल नहीं यार मचाते रहो यार तुमसे गुस्सा काहे रहेंगे जिद्दी भाई तुम यार गजब आदमी हो तुमसे गुस्सा काहे रहेंगे चलो आठ मैं किसी से गुस्सा नहीं होता आठ केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आठ है हमारे देश में आठ केंद्र शासित प्रदेश है ठीक आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन में किस भाग के लोग तिकोने तो टेंट रेबो बुलाते हैं बताओ कौन से भाग के लोग जो टेंट को रेबो बुलाते हैं अरुणाचल प्रदेश मेघालय जम्मू कश्मीर या लेह एंड लद्दाख बताओ किस भाग के लोग रेबो कहते हैं और रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है चलो आंसर करो किस जगह के लोग के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है मस्त लग रहे हैं सर जी आप रिपू कुमार भाई ये तो तुम्हारी नजरों ये तो तुम्हारी नजरें हैं जो मस्त बता रही हैं ठीक है चलो सही आंसर लेह लद्दाख है ना बड़े टुकौने तो टेंट जिन्हें हम रेबो कहते हैं एनसीआर में जिनका जिक्र है वो लेह लद्दाख के अंदर है टेंट आप देख ही सकते हैं नीचे दिए गए उन सभी चीजों का मिलान कीजिए जो वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है बताइए एप्पल जेम मिल्क पनीर रॉ मैंगो पेकल या फिर दाल पापड़ कौन सी ऐसा चीज है जिसका संरक्षण का सही ढंग प्रदान नहीं करता है साथियों दोस्तों मंडे से मंडे से डेली 6 पीएम पर रोज मिलना के वी सवाल वाले ठीक है मूड ऑफ है सर जी क्यों भैया मूड क्यों ऑफ है बताओ मुझे क्या बात हुई है ब्रेकअप हो गया क्या बात हुई बताओ कैसे मूड ऑफ है तो सही आंसर है यस yes. मिल्क पनीर है ना दूध पनीर इसका सही जवाब है आगे बढ़ते हैं पीतल ब्रॉन्ज के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है बताओ फटाफट से ब्रॉन्ज के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है टिन और जस्ता के मिश्र धातु है एक यौगिक है कॉपर और टिन की मिश्र धातु है कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है चलो आंसर करो आवाज ठीक आ रही है चलो आ, आवाज आ रही है आपको ठीक से ठीक ही आ रही होगी है ना आवाज थोड़े ना खराब आएगी तो सही आंसर है इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन है ना ये कॉपर और टिन की अलॉय है साथियों ठीक है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलोर भोपाल के ठीक दक्षिण में है गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलौर किस दिशा में है यस करेक्ट आंसर साउथ वेस्ट चलो भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है गांधीनगर यहां तो भोपाल इधर है बिल्कुल सही बात है बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में बिल्कुल ठीक बात है यहाँ बेंगलोर है गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलोर की दिशा गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलोर की दिशा गांधीनगर के सापेक्ष तो ये वाली डायरेक्शन होगी ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलोर की दिशा ठीक तो है इधर ही गलत आंसर लगा देते हो भाई तुम ये आंसर नहीं है ये आंसर है थर्ड इसका करेक्ट आंसर है साउथ ईस्ट याद रखिएगा साउथ ईस्ट इसका सही आंसर है अब जिन्होंने बी आंसर दिया पल्टी मार लो सही समय है पलटी मार लो ठीक है ठीक याद रखिएगा साउथ ईस्ट ईज वाली डायरेक्शन तो बन रही है ये भी देखो आगे रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं सैंड ड्यून्स आर फाउंड वेयर बताओ अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान बर्लिन राजस्थान अबू धाबी अफगानिस्तान <coughs> चलो आंसर करिए अच्छा आज पहली बार क्लास में लाइव आए वेलकम है यस अबू धाबी और अफगानिस्तान है ना अबू धाबी और अफगानिस्तान रेत के टीले जो है अबू धाबी और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं रेत के टीलों में मूवी शूटिंग होती है गाने शूट होते हैं गाने का नाम जैसे कि याद दिलाऊं मैं तुम लोगों को ना जाना 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 जब तेरा तो दूर अंबराते आई हूं लगदियां हूं कुछ ऐसा गाना है ना जरूर ठीक तो वो वाला गाना रीत में शूट हुआ है आबुधाबी काफ़ी ज़्यादा फेमस है रीत के टीलों के लिए कन्नौज जिला एक बहुत फेमस जिला है भारत का कहाँ पर है बताओ <coughs> कन्नौज जिला एक बहुत ही फेमस जिला है वो कहाँ का है हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार यूपी है करेक्ट आंसर यूपी इन में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है इनमें से चलो बताओ इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का घटक है अभिन्न घटक है बच्चे के लिए बताओ यस yes, उसका इन्वायरमेंट बच्चे का वातावरण से वो सीखता है सिर्फ किताबों से नहीं सीखता सिर्फ भाषा दक्षता से नहीं सीखता सिर्फ रोल प्ले से नहीं सीखता पूरे इन्वायरमेंट से वो सीखता है बच्चा पूरा का पूरा इन्वायरमेंट लग जाता है उसको सिखाने में सर मैं आपकी क्लास एक साल से देख रही हूँ मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि आप एग्जामिनेशन पास करने वाले हैं मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है बताओ साथियों कहां पर है धूप में बैठना अच्छा लगता है पत्थर और लकड़ी के घर हैं हिमाचल प्रदेश है ना हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब यस एक बार मैं अपने एक छात्रों से कहना चाहूंगा मेरे प्यारे लाड़ले मित्रों गुड्डा और राजाओं एक बार लाइक का बटन दबा के देखें कैसा लगता है हम लोग लाइक का बटन दबा के देखें अच्छा लगना चाहिए यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर यात्रा करता है तो उसे किस राज्य से गुजरना नहीं होगा उसे हरियाणा से नहीं गुजरना होगा उसे पंजाब से नहीं गुजरना होगा उसे राजस्थान से उसे गुजरात से कहां से होकर नहीं गुजरना होगा उसे बताओ बताओ Yes. पंजाब से है ना अगर कोई व्यक्ति रेल मार्ग से होकर गुजरता है तो उसे पंजाब से गुजरना नहीं होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों को सबसे बढ़िया भोजन इडली बड़ा डोसा सांबर नारियल की चटनी है तेलंगाना उड़ीसा तमिलनाडु गोवा बताओ फटाफट कहाँ के लोगों का इडली वड़ा डोसा सांबर नारियल तेल की चटनी है कहाँ के लोगों की तमिलनाडु आंध्र प्रदेश साउथ इंडियन फूड है ना अगला क्वेश्चन तीन खाद्य पदार्थों का वह समय चुनिए सर हम आपकी क्लास अगस्त से कर रहे हैं और डेली अटेंडेंस करते हैं बहुत बढ़िया ठीक है आयरन की प्रचुर मात्रा में होता है साथियों बताओ आंवला सेब कद्दू सेब गुड़ खीरा आंवला पालक कद्दू और आंवला पालक गुड़ <coughs> तीन खाद्य पदार्थों को समय चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है यस गाइस आंवला पालक और गुड़ है ना? इनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्य चर्चा की प्रकृति क्या है बताओ फटाफट समावेशी एकीकृत और अनुभवात्मक प्रासंगिक अनुशासनात्मक और एकल विषय वैश्विक से लेकर स्थानीय समावेशी बताओ ईवीएस करिकुलम प्राइमरी लेवल पर कैसा है ऑन सर आज आपकी एनर्जी लो लग रही है मेरी एनर्जी लो इसलिए महाराज हूँ पूरा दिन पढ़ते हो मेरे से और फिर कहते हो कि एनर्जी लो लग रही है आप क्या फिर दूसरा डॉक्टर ने मना किया है कि सर आप ज़्यादा चिल्लाना मत आज मेरा डॉक्टर मेरे से थक गया मैं अभी गया डॉक्टर के पास में मैंने कहा सर मेरा गला खराब है तो कहता है आपको रेस्ट लेना चाहिए दो दिन बोलिए मैं दवाई दे रहा हूँ मैंने कहा ठीक बात है अच्छी बात है डॉक्टर साहब मैं मैं इनका एक बात बताओ डॉक्टर साहब मैं आपसे कहूँ कि दो दिन ना पेशेंट्स को नहीं देखना है कैसा लगेगा आपको तो कह यार बुरा लगेगा मन का सेम मेरे साथ है मैं देखो ऐसा है मैं दो दिन की छुट्टी ले लूँगा परसों से लेकिन अभी सीटेट चल रहा है मेरे मतलब मेरे छात्रों का पेपर है और उसमें मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ होना चाहिए तो उन्होंने कहा कि देखो अगर छुट्टी नहीं लोगे बीच में और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो आवाज़ खो बैठोगे मैंने कहा यार ये तो बहुत बेकार चीज़ है ठीक है तो मैंने कहा नहीं यार आवाज़ नहीं खोनी है हमेशा के लिए दो दिन की छुट्टी ले भी लूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है लगा रहूंगा आपके साथ और चिल्लाने की मना किया है कि थोड़ा चिल्लाना कम है क्योंकि मैं थोड़ा चीख चीख चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता था तो उसकी वजह से गला जो है वो पकड़ लिया है बिल्कुल एकदम चलो आंसर करो तो सही आंसर है प्रासंगिक थीम आधारित और समावेश चलो आगे बढ़ते हैं यदि आप छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वो संभावित राज्य शासित कौन सा है जिससे होकर आप गुजरेंगे हरियाणा है उत्तर प्रदेश है पंजाब है दिल्ली है बताओ साथियों चलो बताओ यार दिल्ली से हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं मैप है हमारे पास मैप लाया जाए हाँ पटना कहाँ है भाई साहब कौन से राज्य का कौन से राज्य में पड़ता है पटना बिहार में नहीं लगभग यहाँ है पटना इसके यहाँ यहाँ है पटना एकदम ठीक जाना चाह रहे हैं चंडीगढ़ अपना ये रहा तो यहाँ से जाएगी ट्रेन हरियाणा आएगा दिल्ली आएगा उत्तर प्रदेश आएगा बिहार तो आएगा ही लेकिन पंजाब नहीं आएगा क्योंकि पंजाब को शुरू होने से पहले ही चंडीगढ़ आ जाता है ठीक है तो सही आंसर तो यार इसका करेक्ट आंसर जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा यस yes. पंजाब आगे बढ़ते हैं सही मिलान करना है इनमें से कौन सा क्या है बताओ कि कौन सा कीट है कौन सा पक्षी है कौन सा सरिसप है कौन सा स्तनधारी है चलो सही मिलान करो सबके सब, के सब. नहीं है, नहीं है बहुत बढ़िया सब लोग आंसर करेंगे फटाफट कीट पक्षी सरी सृप स्तनधारी देखो ये जितने भी सांप वगैरह हैं ठीक है ये सब सरी होते हैं हम लोग मैमल्स हैं स्तनधारी है, है ना कीट जो आप लोग देखते होंगे कि कॉकरोच वगैरह जितने भी होते हैं कीट में आते हैं हुं? और साथ ही साथियों पक्षी पक्षी में तो लू आ गया ठीक है मिला दो ठीक है हो गया सही मिलान ठीक तो सही मिलान हो गया आगे बढ़ते हैं भारत में कितने राज्य हैं नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया चलो तो भारत में कितने राज्य हैं यस yes. भारत में अट्ठाईस राज्य हैं आगे बढ़ते हैं नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है यह अभी आया था क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन का आंसर करो एक पक्षी दिया गया इसमें कौन से लक्षण है बताओ शकर खोरा है वीवर बर्ड है पिकॉक है या बारबेट है बसंत गौरी है आंसर करो आंसर करो साथियों भैया दो लोग जुड़ रहे हैं एक बार लाइक का बटन दबा के देखें कैसा लगता है कितना प्यारा लगता है एक बार लाइक का बटन दबाओ यस yes, मोर इसका सही जवाब एक ऐसा पक्षी जिसकी दुम पर पैसा है वो मोर है रहा कितने पैसे हैं कितने 500 500 के हजार हजार के हैं एक बार देख लेते हैं भाई दबे ये है प्यारा मोर जंगल में मोर नाचा किसने देखा बोलो सब हमने देखा हमने देखा देख लिया ना जंगल में रहा है मोर हमने देखा ठीक है आगे बढ़ते हैं <coughs> की पहले शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन केवीएस में रिपीट करेगा लिख के दे सकता हूँ ग्रेगर मेंडल एक साधु थे ठीक है अट्ठाईस हजार मटर के पौधों के साथ सात वर्ष तक कुछ ना कुछ लगे रहे काम करते रहे ठीक तो बताओ मेंडल ने अपने प्रयोगों में क्या निकाला बताओ फटाफट से नेक्स्ट जेनरेशन प्लांट्स हैव सीड्स विद मिक्स्ड न्यू कलर मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड येलो यदि आप भारत के मानचित्र तो पर कुछ सरल रेखा खींचे खींच देते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जो भारत की राजधानी से पश्चिम बंगाल की राजधानी जाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी बताइए कोलकाता दिल्ली यहाँ कोलकाता लगभग यहाँ खींच दो क्या होगी साउथ ईस्ट है ना दक्षिण पूर्व ठीक है देख लो ना दिल्ली यहां यहा, यहा, यहां से दक्षिण पूर्व ठीक है कई कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है इस मार्ग से होकर इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है यदि इस दूरी को सात घंटे में तय होती है तो ट्रेन की मीटर पर सेकंड में औसत चाल बताइए बताओ मीटर पर सेकंड में औसत चाल क्या होगी तो आप जहां जहां दिखते हैं वहां वहां पहुंच जाते हैं तबियत ठीक है तबियत ठीक है गला खराब है चलो तो हाय हाय कितनी दूरी समय बीस बीस चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों ठीक है अगर किसी को KVS के बैच में इनरोल कराना हो वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक बैच फॉर यू गाइस अभी सेल चल रही है यार किसी को लेना हो तो यू कैन गाइस इनरोल योर सेल्फ इन द बैच के ऑनलाइन कोर्स राइट इस बैच में आप आ सकते हैं ये फुल कोर्स है इस पर क्लिक कीजिएगा वी फुल कोर्स फिर आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद बाय नाउ पर क्लिक करना है आपको ठीक है यहाँ अमाउंट आपको दिखा रहा है चार हजार आठ सौ निन्यानवे जो कि काफ़ी हाई है इसको थोड़ा कम कर लेते हैं आपको एक कूपन कोड लगाना है एल ओ के ई एस एच बी लोकेश बी है ना एंड देर यू गो जैसे आप ये कूपन कोड लगाएंगे आपका अमाउंट रह जाएगा घटकर तीन हजार एक सौ चौरासी रुपये केवल 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 ठीक है इसमें आपको पूरा का पूरा के वी एस देखने को मिलेगा थैंक यू सो मच एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से मंडे को शाम छः बजे और कल दोपहर डेढ़ बजे ठीक है थैंक यू गाइज थैंक यू